बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाऊंगी आलू मेथी की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। ये सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज आधा किलो और आलू भी चाहिए आधा किलो। ये क्यूब कटिंग में होने चाहिए और क्यूब ज़रा छोटे साइज़ के होने चाहिए। ऑयल चाहिए एक कप फुल होना चाहिए और ये लहसुन लिया है मैंने 3 टेबलस्पून, अदरक ली है 2 टेबलस्पून और बाकी मसालों में मैंने नमक लिया है 1.5 टेबलस्पून, लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, हल्दी ली है 1.5 टेबलस्पून, धनिया पाउडर लिया है 2 टेबलस्पून। मेथी को साफ़ करने और धोने और फिर निचोड़ने के बाद इसका वज़न तकरीबन 1 किलो होना चाहिए। पैन में ऑयल और प्याज डालने हैं और इनको मैं लाइट ब्राउन जो है यानी गोल्डन ब्राउन फ्राई करूंगी। अब इसमें मैं मेथी डालूंगी और इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी। यहाँ पे ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इसको फ्राई करना और बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है और उस वक्त तक फ्राई करेंगे कि इसका ऑयल अच्छे तरीके से किनारों की तरफ आ जाए और ये तकरीबन इसको फ्राई करने में 10 मिनट लगेंगे और फ्राई करने के बाद इसकी कंडीशन ये हो जाएगी। और फ्राई होने के बाद इसमें लहसुन अदरक और तमाम स्पाइसेस मैं डाल दूंगी और इन सब स्पाइसेस को भी अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि इनमें कच्चापन ना रहे, ख़ासतौर पे लहसुन और अदरक की स्मेल ना आए। इसको कुछ देर फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद इसमें मैं पानी डालूंगी और आलू डालूंगी। यहाँ पे मैं इसमें 1.5 कप पानी ऐड करूंगी। इनको अच्छी तरह मिक्स करके और जब पानी में बॉयल आएगा तो फिर उसके बाद इसको ढक कर दम वाली आंच पे मैं इसको पकाऊंगी और ये 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। अब जी मेथी तैयार हो चुकी है और आलू भी गल चुके हैं। ये बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये खुश्क हालत में ही होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।